आज हम बनाएंगे स्पीकर प्रोटेक्टर बोर्ड, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं तो स्पीकर पॉइंट पे वोल्टेज आ जाते हैं। वोल्ट आने पर स्पीकर खराब होने का हमेशा खतरा बना रहता है, तो अगर ये लगा रहेगा तो ये स्पीकर पॉइंट को कट कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने PCBs.com से PCB बनवाकर मंगवाया। कैसे मंगवाया ये वीडियो के अंत में देखेंगे, पहले बोर्ड बनाएंगे। इसका कलर चेंज है, मैट ग्रीन है। पहले के पीसीबी के साथ देखें तो ऐसा दिखता है। और ये है इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेगा जम्पर और एक रेजिस्टेंस लगेगी 1K की, और एक रेजिस्टेंस 220K, एक रेजिस्टेंस है 47K की, चार पीस रेजिस्टेंस है 10K की, और चार पीस डायोड है 4148। और पांच डायोड हैं 4007। एक ट्रांजिस्टर है C9013 और दो ट्रांजिस्टर हैं C1815। और एक है 220 का प्रीसेट, एक कैपेसिटर है 47U 25 वोल्ट में, और दो पीस कैपेसिटर है 220U 25 वोल्ट में, एक कैपेसिटर है 470U 25 वोल्ट में, एक रेगुलेटर 7812, एक LED, पांच पीस हैं 2-पिन कनेक्टर स्क्रू वाले, दो पीस है रिले, ये 12 वोल्ट में है 30 एम्पीयर की, इसके बाद करेंगे कटिंग। फिर करेंगे सोल्डरिंग।
ये है 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर, अटैच कर लेते हैं। और ये 200 वाट का बोर्ड हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, इसमें 55055 लगाया हमने ट्रांसफार्मर टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको लगाकर नहीं देखना है, ये बोर्ड में वही ट्रांसफार्मर लगाएं जो उसके साथ चाहिए। और ये टेस्ट करते समय भी सावधानी बरतनी है। और इसमें एक रेड कलर की वायर जो निकली हुई है, इससे प्लस वोल्ट आ रहे हैं, और ग्रे स्पीकर के लिए बोर्ड से स्पीकर की वायर आ रही है, वो इधर कनेक्ट कर लेते हैं। और कॉलम की वायर इधर कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस ध्यान रखना है। पहले ऑन करके देख लेते हैं। अब बोर्ड चेक कर लेते हैं कि कितने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 80 से ऊपर वोल्ट आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है स्पीकर डैमेज करने के लिए। अगर ये 80 वोल्ट ऐसे ही स्पीकर वाले पॉइंट पे लगा देंगे तो इससे स्पीकर तो अभी प्रोटेक्टर लगा रखा है बोर्ड, तो स्पीकर तो बच जाएगा लेकिन ट्रांजिस्टर खराब हो जाएंगे। टेस्ट करने के लिए स्पीकर की वायर हटा देते हैं, प्लस वायर लगा के देखते हैं। सही है, सही काम कर रहा है। अब स्पीकर भी एक बार देख लेते हैं, स्पीकर सही है या टच करते ही खराब हो गया। सही है, ओके। अब बात करेंगे पीसीबी कैसे मंगवाया। सबसे पहले सर्च करेंगे पीसीबी पे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ डिजाइन डालेंगे, फिर साइज, फिर क्वांटिटी, फिर लेयर, फिर मटेरियल, थिकनेस और मिनिमम स्पेस, होल, फिर कलर, उसके बाद बाकी भी आप देखकर भर देंगे। फिर नीचे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ गर्वर फाइल अपलोड कर देंगे। थोड़ी देर बाद में ओके हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन है पे करने के लिए, ओके कर लेंगे, पे करने के लिए आ जाएगा। फिर एक सप्ताह बाद ये हमें मिल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।